इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें कि राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल जो है वो पास हो गया है। डिवीजन ऑफ वोट वहां पर चल रहा था, मशीन में खराबी की वजह से स्लिप के जरिए यानी पर्ची के जरिए वोटिंग हो रही थी और अब वो वोटिंग समाप्त हुआ है और ये बिल पास हो गया है। समर्थन में 131 वोट पड़े हैं और इसके साथ ही दिल्ली सेवा विधेयक जो है वो पास हो गया है राज्यसभा के भीतर। दरअसल जब राघव चड्ढा भी इस पर आकर बोल रहे थे तो वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये अपील कर रहे थे कि समर्थन कर देना चाहिए इस मामले में, वरना ये नहीं मालूम कि कल के दिन किस राज्य के लिए क्या हो जाए। और अमित शाह ने जब जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने इस पर भी कटाक्ष किया था। बहरहाल कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि राज्यसभा में भी ये जो बिल है वो पास हो गया है। अब दिल्ली सेवा बिल जिसकी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ने के बाद पहुंची थी सदन में, सदन में आपत्तियों की जब शुरुआत हुई तो इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा शर्त आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने यही रखा था कि कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन करेगी तो फिर आगे देखा जाएगा किस तरह से एकजुटता बनती है। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया आम आदमी पार्टी का, लेकिन अब दिल्ली सेवा विधेयक जो है वो पास हो गया है। 102 इसके विरोध में, लेकिन कुल मिलाकर वो आंकड़ा जिसकी आवश्यकता थी इस बिल के पास होने के लिए वो आंकड़ा 7 रहा है और ये बिल पास हो गया है। कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, 3 दिन तक वो चर्चा होनी है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो आज का जो ये मुकाबला रहा ये इंडिया वर्सेस एनडीए का पहला नतीजा आप कह सकते हैं जो सदन के भीतर आया है। राज्यसभा से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है 131 वोट समर्थन में और 102 वोट इसके विरोध में पड़े हैं, यानी लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अब ये बिल पास हो गया है। डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑन डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं ये बिल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का आया है, जन्म और मृत्यु का, मैं बिल को मेरे पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से समर्थन करती हूँ। क्योंकि अब जब देश बदल रहा है तो कानून भी बदलना चाहिए सर। इसीलिए क्योंकि जो पुराना कानून हम लोग 54 साल से पहले आया हुआ था वो कानून का अभी बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि हम लोग सब देखे हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में कितना सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के, क्योंकि मैं खुद तो बिल पास हो गया है लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी। इस समय मेरी सहयोगी मौसमी सिंह मेरे साथ जुड़ रही है। मौसमी, बड़ा एक तरह से कहें तो हैपनिंग दिन था ये, चर्चा तो लंबी चली, राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर वापस लौटे, कुल मिलाकर पहले से एक अंदेशा था, एक आसार थे कि क्या होने वाला है इसका नतीजा, और नतीजा वही हुआ। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें कि गठबंधन के बनने के बाद पहली बार इंडिया वर्सेज एनडीए की ये लड़ाई हुई है सदन के भीतर, तो ये जो आंकड़ा कह रहा है 131 वर्सेज 102, इसके क्या मायने निकलेंगे? देखिए, आंकड़े के मायने ये है कि जितना एनडीए को उम्मीद थी उसके अलावा भी जो फैन सिटर्स है, जो बीजेडी है और वाईएसआर है, वो उनके खेमे में आए और 131 उनको मिला है। यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उन्होंने भी कुछ 2 एक्स्ट्रा नॉमिनेटेड मेंबर्स ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है, क्योंकि वैसे आंकड़ा 129 जाता पर 131 गया है। और जो इंडिया पार्टनर्स है वो 99 पर थे, एक संजय सिंह सस्पेंडेड चल रहे हैं तो 98 आप ले लीजिए और उसमें 7 नंबर और जोड़ने चाहिए तो 105 तक आंकड़ा आना चाहिए था एनडीए इंडिया पार्टीज का, लेकिन वो 102 पर रह गया है। यानी कि तीन मेंबर्स ने जो कि इस तरफ होने चाहिए थे, विपक्ष में होने चाहिए थे, बिल के विरोध में होने चाहिए थे, उन्होंने वोट नहीं किया है। कुल मिलाकर
के आंकड़े हमेशा से श्वेता एनडीए के फेवर में थे। ये एनडीए भी जानते थे, ये इंडिया पार्टीज भी जानती थी, लेकिन ये विचार की लड़ाई थी, ये एक परसेप्शन बैटल था जिसमें दोनों तरफ से वार और पलटवार हमने देखे सदन में जमकर हुए। अब अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, प्रेस को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है जब से ये पूरा मामला चल रहा है उसमें अब ये जानना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से अब इस मामले में क्या कहा जाता है। 10:15 बजे का समय है, यानी कि कुछ मिनटों बाद सदन की जो कार्रवाई है वो वोटिंग तक हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से 131 वोट पक्ष में पड़ गए हैं और दिल्ली सेवा बिल जो है वो पास हो चुका है।